इस अमाउंट को अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो वो कुछ पड़ेगा 6,12,000 के आसपास। हाँ जी, तो फिलहाल हम अपना एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क निपटा कर आ रहे हैं और तब से हमारे दिमाग में एक बात घूमी जा रही है कि सेमेस्टर एक्सचेंज का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हमारे किसी काम आ भी रहा है या वो एक जिद थी जो हमारे घर वालों ने पूरी कर दी थी। तो हाल ही में अपना इंडिया का बजट आया तो उसी से थोड़ा मोटिवेशन लेते हुए मैंने सोचा कि अपने इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा जज किया जाए और कितना रिटर्न निकल रहा है उसके ऊपर थोड़ा विचार किया। इस अमाउंट को अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो वो कुछ पड़ेगा 6,12,000 के आसपास। और मजे की बात ये है कि हमें इस बात का कोई भी गम नहीं है और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई सारी वजहें हैं। हमारा रिज्यूमे और SOP पिछले एक साल से जहाँ पे भी गया है वहाँ पर एक अलग ही पहचान डाल रहा है और वजह है उस रिज्यूमे और SOP में ये सेमेस्टर एक्सचेंज का एक्सपीरियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टैंड आउट करती ही है और वहाँ पर मुझे फ़ायदा मिलता है इस बात का। तो हमारी इस बात से ये तात्पर्य बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि अगर आपको एक अच्छा रिज्यूमे और SOP लिखना है या चाहते हैं खुद के लिए तो उसके लिए एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम चाहिए ही चाहिए। वो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पब्लिकेशन हो सकता है। मेरे केस में मेरे लिए ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम रहा। हमारे लिए इस प्रोग्राम ने कई और भी दरवाजे खोले, चाहे वो बात हो नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना या फिर इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाना। हमें हर तरीके से फ़ायदा मिला है। ये बार बार तुम फ्रिज में फ़ोन क्यों रखाते हो? और इस फायदे के चलते ही शायद आज हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज से ऑफर्स मिल पा रहे हैं और इस चीज़ का मुझे कहीं से भी दुख नहीं है कि मैंने उस टाइम एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम को इतना इम्पोर्टेंस दी। बाकी बचा जो एक कल्चरल एक्सपीरियंस मिला था और इंटरनेशनल एक्सपोजर और उसके अलावा जो कनेक्शंस बनाया उन्होंने भी पिछले एक साल में मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हेल्प तो किया ही है और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी वो कहीं ना कहीं मेरे को और हेल्प करेगा। तो मेरा यूँ ठहर कर ये सोचना कि क्या उस समय मैंने एक सही डिसीज़न लिया था, उसका जवाब सिंपल सा है कि हाँ, वो एक सही डिसीज़न था और आज मैं उसके फ़ायदे भी उठा रहा हूँ। ये अब तक कुछ नहीं कर रहा था, मेरे को ये रिकॉर्ड करना है। तो आज की वीडियो यहीं होती है समाप्त और हाँ, एक अच्छी न्यूज़ है कि 3 और यूनिवर्सिटीज़ से एक ऑफ़र टाइप की चीज़ आई है एंड हाँ, वो बड़े नाम है। तो अगली वीडियो में सिर्फ उन पर बात करेंगे। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना, बहुत 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 ज़्यादा पसंद आ गई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है, कमेंट करके बात कर लिया करो यार कि क्या चल रहा है। बाय। तब फ्रॉम महेश, वेलकम फ्रॉम लखनऊ।